विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने गाजा पट्टी में हालात पर चिंता जताई है और ये बेहद गंभीर चिंता जताई गई है। दरअसल WHO का कहना है कि गाजा पट्टी के 36 अस्पतालों में से सिर्फ 15 ही इस वक्त काम कर रहे हैं। अस्पतालों में मेडिकल सप्लाई की किल्लत बेहद चिंताजनक है। WHO के प्रमुख ने युद्धग्रस्त फिलिस्तीनी क्षेत्र में भूख और हताशा का हवाला भी दिया। WHO की जारी चेतावनी में कहा गया कि गाजा की आबादी गंभीर संकट में है और गाजा में इज़राइल और हमास दोनों एक दूसरे के खिलाफ भीषण युद्ध छेड़े हुए हैं। हमास ने दावा किया कि उसने 10 इजरायली सैनिकों को मौत के घाट यहां पर उतार दिया और पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 250 फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। गाजा में कौन जीत रहा है युद्ध, हमास या इज़राइल? दुश्मन को कमजोर समझने की भूल ने युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। उदाहरण देखिए, हमास ने वीडियो जारी किया है, एक दो नहीं इजरायली सेना को टारगेट बनाकर हमास उनका खात्मा कर रहा है। हमास का दावा है कि इस भीषण हमले में इजरायली डिफेंस फोर्स के 10 सदस्यों की मौत हो गई है। हमास के दावे में अगर रत्ती भर भी सच्चाई है तो इजरायल के लिए, प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। इजरायल ने युद्ध को लेकर नया दावा किया है, लेकिन क्या हमास के हमले में वाकई 10 सैनिकों की मौत हुई है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। सवाल है कि मरता हमास आखिर जिंदा कैसे हो गया? इजरायल के खिलाफ हमास को कहां से मिलने लगी है मदद? इजरायल के खिलाफ हमास का क्या है नया प्लान? हमास का दावा है कि उसके अल कसाम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया है। अल कसाम ब्रिगेड गुरिल्ला युद्ध लड़ने में माहिर माना जाता है। आपको याद हो तो 7 अक्टूबर को इजरायल में घुसकर हमला खूंखार अल कसाम ब्रिगेड ने ही किया था। यह हमला इतना तेज और सटीक था कि इजरायल की पूरी डिफेंस लाइन तीतर बीतर हो गई। दावा किया जा रहा है कि अल कसाम ब्रिगेड इजरायल के 35 सैनिकों को बंधक बनाए हुए है। अल कसाम ब्रिगेड हमास की सबसे खूंखार मिलिट्री यूनिट है। इस यूनिट में शामिल आतंकवादियों की तुलना आईसिस की क्रूरता से की जाती है। मोहम्मद दैफ, जिसे इजरायली सेना ने मारने का दावा किया है, ब्रिगेड का प्रमुख था। यह गाजा पट्टी के भीतर संचालित होने वाला सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा हथियारबंद आतंकवादी समूह है। हमास के लड़ाकों की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 7 अक्टूबर से अब तक, जब महीना ही नहीं साल बदलने जा रहा है, इजरायल से गाजा पर कब्जा अब भी दूर है। कब्जे के प्लान में देर की वजह इजरायल कुछ और बता रहा है, लेकिन हमास जिस तरह से दावे कर रहा है वो इजरायल को करारा जवाब दे रहा है, उससे कहानी कुछ और दिखती है। पुतिन जैसे यूक्रेन में फंस गए, क्या नेतन्याहू वैसे ही गाजा में फंस गए हैं? गाजा पट्टी सिर्फ 40 से 45 किलोमीटर लंबी और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। यहां 23 लाख की आबादी रहती थी, इसलिए करीब 20 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर ऐसे ही विस्थापित लोगों का वीडियो है। इनकी जिंदगी युद्ध ने कैसे चूल्हे में झोंक दी है, सुनिए। واستشهد ابني وجيت شردنا بالقصف في الليل وجينا هان شردنا من خان يونس لا دير البلح لا هال المنطقة الشهداء الأقصى وإحنا ما فيش مأوى زي الناس كل ما نروح منطقة بيسلخونا فيها। गाजा में तबाही और मौतों पर पूरी दुनिया इसराइल को सलाह दे चुकी है कि जरा सोच समझ कर, लेकिन इसराइल ने इसकी जगह हमले और बढ़ा दिए। हमास के पास जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। मरते मरते हमास इसराइल पर टूट पड़ा है। हालांकि हमास के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं दिखती कि वो इसराइल की सेना से सीधा मुकाबला कर सके, लेकिन अपने घर की चौहद्दी उन्हें ठीक से पता है। नतीजा है कि इसराइली सैनिकों को हमास निशाना बनाने में कामयाब हो पा रहा है। हमास ऐसी लड़ाई बहुत दिनों तक नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि इसराइल इस वक्त जबरदस्त हमला कर रहा है। يا بتعيشني يا بتخلص علي وخلص ما بديش ما اشوفش مأساة اولادي وهو بيقول لي بدي خبزه وانا مش ملاقي اجيب له
مصاري خلص، ما ضلش مصاري اللي كنا محوشين نخلص. امبارح انا رحت شريت نايلون وخشب 500 شيكل، وطول الليل وانا واولادي سقعانين سقعانين، فيش لا غطا لا جنبيه ولا حرام ولا 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 حاجه، مقومات حياه ما فيش. विस्थापित लोगों का दर्द लाखों में है, लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के पास अपनी जनता को जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। युद्ध के बीते दिनों के बीच इसराइल को गाजा में अब तक कुछ भी ठोस हासिल नहीं हो सका है। उदाहरण देखिए, अब भी 120 बंधक हमास के कब्जे में है। दूसरा, गाजा सिटी ही नहीं खान यूनिस जैसे शहरों पर भी इसराइल का कब्जा नहीं हो सका है। इस बीच इसराइल के 150 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। 150 के आंकड़े को कम नहीं समझिए, क्योंकि हमास के पास इन्हें मारने के लिए जो हथियार हैं वो बिल्कुल नाकाफी हैं। इसराइल की जनता अब अपने बंधक परिजनों की रिहाई चाहती है। बेन्यामिन के हाथ 3 महीने बाद भी खाली हैं। इसका कारण हमास की सिर्फ प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, इसका कारण है आम फिलिस्तीनियों के प्रति सहानुभूति। खुद इसराइल के भीतर युद्ध विराम के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर नेतन्याहू की खूब आलोचना हो रही है और हमास इस बीच जितना संभव हो सके हमला कर रहा है। जमीन पर हमास को भले ही ईरान या तुर्की जैसे देशों का साथ नहीं मिल रहा है, लेकिन माहौल तो ये देश बना ही रहे हैं। Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Bu Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Yok. Şu an itibariyle Hitler bunun kadar zengin değildi. Bu Hitler'e göre daha zengin. Batı'dan alıyor destekleri. Amerika'dan her türlü destek geliyor. Ve bütün bu desteklerle 20 bini aşkın Gazze'liyi bunlar ne yaptı? गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर से चल रहे इसराइल युद्ध में अब तक 21,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, 54,536 लोग घायल हुए हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने मंत्रालय के हवाले से बताया कि पिछले 24 घंटों में इसराइली बलों की तरफ से पूरे इलाके में शुरू किए गए 25 हवाई और जमीनी हमलों में 250 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। मौतों की तादाद अभी और बढ़ी निश्चित है। इसराइल की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं दिखता कि वो युद्ध विराम का ऐलान करने के मूड में है। इसराइल ने जो नया ऐलान किया है उससे खतरा और बढ़ गया है। तेनु निलखमीम बमिस्पार मुकदिम मरकजीम बआजा एकाद बेजोर अनिकरा एल बुरेज ज़े ज़ोर बमखनोत अमरकज शाम अनहनु बयोम अशलीशी लातकफा ओगिम मखबलिम रबीम वमखसलिम तश्तियोत टेरोर השני זה חאן יונס, חאן יונס בדרום הרצועה, מוקד טרור מרכזי של החמאס, שם אנחנו הרחבנו את הפעולה, הוספנו היום חטיבה נוספת למרחב הזה, ואנחנו ממשיכים לפעול שם בשימוש בשיטות לחימה חדשות מעל האדמה ומתחתיה. איג'ל כסרגר אור וואר קאבינט כמותאביק. गाजा में जंग हमास को पूरी तरह खत्म करने तक चलेगी और इसमें 2 साल लग सकते हैं। कैबिनेट ने इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF को बता दिया है कि हमास के मिलिट्री पावर को पूरी तरह खत्म करना है, ताकि फ्यूचर में वो कभी भी 7 अक्टूबर जैसे हमलों को अंजाम न दे सके। ये दावा ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इसराइल ने 7 टारगेट सेलेक्ट किए हैं, इनमें से 6 पर सरकार, इंटेलिजेंस एजेंसियां और IDF तेजी से काम कर रही हैं। रिपोर्ट में कैबिनेट मीटिंग में हुई चर्चा के हवाले से कहा गया है कि IDF 2024 में मई जून तक हमास के खात्मे से जुड़ा पहला फेज पूरा कर लेगी। इसके बावजूद इस आतंकी संगठन को पूरी तरह नेस्तोनाबूद करने में 2 साल लगेंगे। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि यह जंग हमास के आखिरी आतंकी के खत्म होने तक जारी रहेगी। सवाल है कि हमास के आखिरी आतंकी को इज़्ज़त ढेर करने में कब तक कामयाब हो सकेगा, क्योंकि जमीन पर जो हालात दिख रहे हैं उनमें हमास के लड़ाकों की मौत से ज्यादा आम फिलिस्तीनियों की मौत हो रही है। इसराइल भले ही मानवीय सहायता के नाम पर ट्रकों को जाने की इजाजत देकर फिलिस्तीनियों के खून को अपने हाथ से साफ कर दे, लेकिन ये 16 आने सच है कि इसराइल युद्ध में जितना खून बहा रहा है वो दुनिया के लिए और मुश्किलें पैदा करने